सभी का बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम और मैं अनुराधा शारदा आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे और उन पर अपने कमेंट्स लिखे, सुझाव लिखे जिस पर हम अमल करते हैं। सर आपका बहुत बहुत प्रणाम और मुझे भी बहुत खुशी है। आज आप सबके साथ एक बहुत अच्छी बात बांटने की है, आपको बताने की है कि सर की जो हमारी वीडियो है दशांश पर, वो 1,10,000 से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर चुकी है और आप सब ने उसको देखा, सराहाया, तो उसी के कारण ये क्रॉस किया है। आप सबका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी। सर आज आप हमको किस विषय पर पढ़ाने जाएंगे? नहीं, अभी आप अगला वेबिनार सप्तांश पे ही कर रहे हैं, संतान पे। जी सर। तो सप्तांश के बारे में ही कुछ बात कर लेंगे। जी सर। तो सर सप्तांश में जो है उस पर हम क्या टॉपिक, वेबिनार में हम क्या क्या पढ़ेंगे सर, आप हमें क्या क्या पढ़ाएंगे? वेबिनार में तो लिस्ट आपने दी होगी। हाँ, लिस्ट सबको भाई संतान देख कैसे देखते हैं। जी सर। बीज स्फूट, क्षेत्र स्फूट। जी सर। संतान टाइम पे होगी, लेट होगी या संतान नहीं है जी। बच्चों से संबंध मेरे कैसे रहेंगे जी। और ऋणाणु बंधन जी। क्या हम ऋणाणु बंधन में पैदा हुए हैं। और एक और मजे की बात, D7 से हम अपने जीवन की सुख सुविधाएं, लग्जरीज को देख सकते हैं। जी, ये भी एक नया टॉपिक, ये एक नया टॉपिक है जो कि हम किताब में है, ये किताब में है जी, इसको देख लेंगे। जी सर। ठीक है, तो हम यहाँ किस विषय पर, आज का जो वीडियो है जो हमेशा आपका एक अलग हटके वीडियो बनता है, उसमें हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं? चलिए कुछ हटके ही करते हैं। जी सर। इसीलिए मैंने कहा था कोई भी शॉट ले लो, क्योंकि विषय कौन सा सेलेक्ट हो जाता है। जी सर। अभी आज एक ऐसी बात करेंगे जो मेरी सप्तांश की किताब में भी नहीं है जी, क्योंकि जो भी ये किताब लिखी है इसमें बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, और बार बार नए नए आइडियाज आते रहते हैं जी, तो सारे कवर नहीं होते हैं। आज हम बात करेंगे कि भाई बच्चों से, संतान से जी मेरा सुख स्थायी रहेगा, परमानेंट रहेगा या नहीं। अब ये बहुत बड़ी चीज है। जी सर। जी, कि बच्चे या संतान मुझे अंत तक मुझे सुख प्रदान करेंगे। जी, बहुत से क्या होता है, बुढ़ापे में आके बच्चे बुरा हाल कर देते हैं, संतान आपका ख्याल नहीं। हाँ, बुढ़ापा बहुत खराब निकलता लोगों, बहुत खराब नहीं, खुद का तो होता ही है। अगर दो प्यार के शब्द बोलता रहे हाँ, तो वो बुरा नहीं होता। हाँ, तब बड़ा एक सहारा हो जाता है। जी, जी, ठीक है, उसमें कोई आदमी फिर भी झेल जाता है उसको। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न जिसको कहो दिमाग में रहता है। जी, अब ये टॉपिक कुछ ऐसे हो जाते हैं कि इसको अगर आप गलत ढंग से देखोगे हाँ, तो आप जिंदा रहते हुए भी मर जाओगे। ठीक है, आपको ये लगा कि भाई मेरे को नहीं सुख मिलने वाला इनसे हाँ, तो आप कहीं उसको संतान से बुरा व्यवहार ना शुरू कर दें। हाँ, तब तो आप अपनी नींव खुद खोद रहे हैं ना। हाँ, हाँ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप। हाँ, तो उम्मीद तो रखनी चाहिए। तो ये वीडियो
सिर्फ वो ही लोग अप्लाई करें जिनको ज्योतिष की समझ है। ज्यादातर जब हम कुंडली देखते हैं तो बुरी चीज पहले देखते हैं, अच्छी चीज को नहीं देखते। तो इसलिए कृपा करके इसको भी किसी तरह से पॉजिटिव कर लेना भाई। अब मैं बता रहा हूं। बहुत सुंदर। और सर एक डिफरेंस है, लोग सोचते हैं कि ये बच्चे का चार्ट है, लेकिन आपने मुझे ये भी बोला कि बच्चे का चार्ट नहीं है। देखिए कोई भी डिविजनल चार्ट है जी सर, वो आपकी जन्म कुंडली से आपके लिए बना है जी। तो जो D7 है जी, वो आपका चार्ट है, आपके बच्चों का चार्ट है जो आपके लिए वो करेंगे। ये आपका चार्ट है बच्चों का जी, ना के संतान का चार्ट है। अब ये बारीक डिफरेंस है, इसको समझिए जी। संतान होगी नहीं होगी, ये कोई बच्चे संतान के चार्ट से थोड़ी देख रहा हूं मैं, ये तो आपके लिए देख रहा हूं, आपके संतान होगी या नहीं। ठीक है, पराशर जी ने लिखा है कि इससे संतान और पुत्र तक देख सकते हैं। हाँ। संतान की संतान ठीक है, पहले भैया मेरा चार्ट है ना ये तो, मैं अपनी संतान तो देख लूं पहले। तो इसलिए ये गलती नहीं, इसमें जो सुख है संतान से आपको सुख है या नहीं, तो सुख का भाव होता है चतुर्थ भाव जी। उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी संतान सुखी रहेगी या नहीं। चतुर्थ भाव से हम देखेंगे क्या संतान से मुझे सुख मिलेगा, ना कि संतान सुखी रहेगी या नहीं। वैसे तो एक अच्छी चीज है भैया, आपको सुख जब मिलेगा जब संतान सुखी होगी। हाँ। वो ही परेशान है, वो आपको क्या सुख देगी। हाँ। एक तरह से वो भी हम कह सकते हैं जी। पर हम एक जैसे विवाह है, D9 है, आपके विवाह का चार्ट है। हाँ। आपकी पत्नी के विवाह का चार्ट नहीं है वो। हाँ। आपके विवाहित जीवन का चार्ट है। हाँ। तो इसी तरह से सप्तांश आपकी संतान का आपके लिए चार्ट है जी। तो एक पॉइंट हमने देख लिया जी कि भाई चौथा भाव जो होता है सुख भाव है। और दूसरा फैक्टर है परमानेंसी जी। परमानेंसी का मतलब है कि मेरे अंत तक मुझे संतान का सुख रहेगा जी। अब इससे दो मीनिंग आ जाते हैं, अगर सुख नहीं है या तो संतान मुझे दुख देगी, मेरा ख्याल नहीं रखेगी जी। या दूसरा संतान ही नहीं रहेगी तो मेरे को सुख कहां से मिलेगा जी। ये एक्सट्रीम है। एकदम ठीक है जी। तो परमानेंसी का कारक जो है वो मंगल है। ओके। हर किसी के लिए, हर कोई चार्ट के लिए परमानेंसी का कारक मंगल है जी। ठीक है। तो अब हमारा नियम बन गया, हम तो और कुछ सरलता से करते हैं, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात तो है ही नहीं, एकदम सीधी। और के भाई सुख चौथा है, मंगल कारक है, अगर मंगल चौथे भाव से या मंगल से चौथा भाव शुभ स्थान में है, केंद्र त्रिकोण में है, त्रिक में नहीं है, तो भैया सुख मिलेगा। पाप संबंध ज्यादा नहीं है तो सुख मिलेगा, शुभ संबंध है तो सुख मिलेगा, त्रिक में है पाप संबंध है भैया सुख नहीं मिलेगा। सरल है जी। ठीक है, तो ये हमारा आज का छोटा सा, बहुत ही छोटा सा परंतु बहुत ही वजनदार पॉइंट है ये एकदम। हमको ये बात
क्योंकि जैसे हम बड़े होते हैं, हम सब चाहते हैं, ये चाहत रहती है कि भाई कोई हमारा सहारा बने, कोई हमें सुख दे, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं, चाट लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बोल दें कि हमारे पास सर के लिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। लोगों ने सर के लिए इतनी सारी क्वेरीज भेजी कि सर क्या चार्ट रीडिंग करते हैं, सर हम सर से मिलना चाहते हैं, सर से पढ़ना चाहते हैं। सर फिलहाल पढ़ा नहीं रहे, आप हमारे वेबिनार्स ज्वाइन करें, सर के काफी सारे वेबिनार्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही सरल ज्योतिष पर, सर की वेबसाइट पर सर ने काफी आर्टिकल्स लिखे हैं, उनको पढ़ें तो आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। और सर कंसल्टेशन, पर्सनल कंसल्टेशन अभी नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम खेद चाहेंगे। नहीं, सरल ज्योतिष पे मेरे ख्याल में एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो मेरे ख्याल में 150-200 वीडियोस हैं। अच्छा, हाँ, उसको आप देखिए। कंसल्टेशन के लिए देखिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन या टेलीफोन से कंसल्टेशन करना वो अभी मैंने बंद किया हुआ है। कारण कि अभी कुछ कंसंट्रेशन से मैं सरल ज्योतिष लिखने में लगा हुआ हूं, क्योंकि कोई भी किताब लिखना और उन टॉपिक को गहराई तक जाकर के लिखने में, आप सोचते हैं दिन में तो 10 पन्ने लिख सकते हैं, नहीं भैया, पूरा दिन लग के मुश्किल से 2 पन्ने लिख पाता हूं, मुश्किल से, परंतु वो 2 पन्ने भी काफी वजह मतलब मीनिंगफुल होते हैं। तो इसलिए उसमें टाइम लगता है जी। दूसरा इसमें क्या होता है कि एक दफे अगर एक किसी को मैंने जवाब दिया, जो ज्यादातर 1 या 2 लाइन का होता है जो क्वेश्चन पूछा है, मैं ज्यादा क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करता जी। पर उसके बाद फिर वो लाइन लगनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए किसी को टेलीफोन पे उसने कहा मेरा विवाह कब होगा, अब भैया जो दिखा बता दिया, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरी पत्नी पढ़ी लिखी आएगी, तो भैया अभी देखूंगा उसको, फिर तीसरा क्वेश्चन होगा काली होगी गोरी होगी, मेरा लव अफेयर से शादी होगी या अरेंज होगी, शादी कैसी चलेगी जी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मेरी संतान कितनी होगी, उसके नेक्स्ट होगा मेरे माँ बाप की तबीयत कैसी रहेगी, पूरे सब जानते हैं ये। हाँ जी। तो इसलिए मैंने वो अभी भाई ब्रेक दे रखा है। इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे हमारे सहयोगी हैं, साथ में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट कर लीजिए आप। भैया मेरे को क्यों, मेरे को कुछ काम करने दो, कुछ करके ही जाऊंगा ना यार, ठीक है जी। तो इसलिए आप, अनुराधा जी हैं, बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन करती हैं, एक मेरे ख्याल में निम्मी भी आजकल अच्छी प्रेडिक्शन करती है, और भी लोग हैं जी सर। तो आप इनसे कांटेक्ट करिए भैया। थैंक यू सर। और ये लोग तो मेरे टच में रहते ही हैं, आप लोगों की तरह से 15 सवाल नहीं पूछते, ये कम से कम टेक्निकल क्लेरिफिकेशन मेरे से ले लेते हैं। आपकी भी कुंडली में अगर कोई इस तरह की समस्या होगी तो इन लोगों को तो मैं टेक्निकल बताता रहता हूं, और ये इनका बड़प्पन है कि वो उसको सुनते हैं। नहीं तो आजकल जो थोड़ा सा भी ज्योतिष आ जाए तो अहंकार और अभिमान बहुत हो जाता है, तो वो अहंकार अभिमान इनमें नहीं है, मेरे अंदर हो शायद। नहीं सर, आप में भी नहीं है, आप में भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर, हम लोगों के लिए इतना सब बोलने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हम आपकी संतान की तरह ही हैं सर, तो हम वापस D7 के चार्ट पर चलते हैं। चलो लगाओ चार्ट, काफी टाइम हो गया।
सर ये हमने लिया अमिताभ बच्चन का चार्ट लिया है ठीक है। तो। हाँ जी, अब ये देखिए आप, चौथा भाव आपका सुख का भाव है, जी ठीक है। जी ये इससे मंगल चौथे भाव में ही बैठा है, हाँ कितनी अच्छी बात हो गई। हम्म। और चौथे भाव पर आपके बृहस्पति की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। यहां पर मैं शनि की दृष्टि को इतना बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि ये लग्नेश है। तो जी हमारी कंडीशन हो गई कि भाई चौथे भाव को जो है वो मंगल से केंद्र में बैठा हुआ हाँ हाँ है, या ये कह लो कि मंगल चौथे भाव से केंद्र में है हाँ और बली है, हाँ ठीक है भैया। हाँ तो मुझे संतान का सुख मिलता रहेगा, परमानेंट है। जी इसका मीनिंग ये है कि संतान मेरे अंतिम समय तक मेरी देखरेख करेगी। और मजे की बात ये देखिए, मंगल का जो डिस्पोजिटर है वही सूर्य, बैठा है वही वो भी बैठा उसके साथ ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा परमानेंट सुख रहेगा, सिंपल सा रूल है, मंगल से देख लीजिए बस। चौथा भाव सुख का है। अब यहां पर आप और चीज देख सकते हैं, परमानेंसी बताता है मंगल। मंगल यहां लग्न को भी देख रहा है, हाँ लग्नेश को भी देख रहा है, हाँ ठीक है। ये हाँ सर और डबल बेनिफिट हो गया, परमानेंसी। बहुत देखिए जिस भी चार्ट में, ये बहुत बड़ा जनरल रूल बता रहा हूं मैं, किसी भी वर्क चार्ट में मंगल लगन को देख रहा हो वो लगन बली हो जाती है। मंगल बल का कारक है, परमानेंसी का कारक है। बहुत सुंदर बात। तो ये एक नई बात उठकर आई हमारे सामने कि मंगल, ये चीज हमने पहले कभी नहीं सुना था या जाना था कि मंगल यदि किसी भी वर्ग चार्ट को देख रहा हो तो उस वर्ग चार्ट को बहुत बली बना देता है। आपको मैं बताऊं, जैसे D27 में जी सर मैंने एग्जाम्पल ली हुई है, जी सर कैशियस क्ले के चार्ट में, अच्छा कि मंगल लगन को देख रहा है, कितनी सॉलिड बॉडी थी, फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर पाप संबंध भी आ रहा है, वो बाद में बेचारे को हो गई बीमारियां, परंतु बॉडी तो बढ़िया दी ना उसको। बीमारी आए वो बात अलग है। मेरी कुंडली में ही अब D1 में देख लो, हाँ मंगल लगन को देख रहा है, निरंतर काम करते रहते हैं हम सर ये चीज तो शुरू से सेहत बहुत बढ़िया रही है, हाँ बॉडी अच्छी दी है। हाँ तो मंगल जो है वो फिजिक अच्छा दे देता जी है, ठीक है जनरल राजा जी। ठीक है सर बहुत सुंदर प्रिंसिपल हमने सर से सीखा। मंगल परमानेंसी का कारक है। मंगल यदि किसी भी डिविजनल चार्ट को देखता है लग्न लगन को को देखता है तो उसको बलि करता है। और मंगल से यदि हम सुख देखें चतुर्भाव से हम सुख देखते हैं मंगल से उसकी पोजीशन देखने से हमें मालूम पड़ता है कि बच्चे या कोई भी हमें वो सुख देंगे या नहीं। तो इसी बात के साथ हम फिर मिलते हैं। आप हमारा वेबिनार जरूर ज्वाइन ज्वाइन करें। 2 मई को वो वेबिनार है। हिंदी में वेबिनार शाम को है 6 से 8 और इंग्लिश में वेबिनार सवेरे है। फिर मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। नमस्कार।